दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन मीवी कॉलर वायरलेस ईयरफोन एंड बोट रॉकर्स 255F ब्लूटूथ ईयरफोन। हालांकि दोनों ही ब्लूटूथ ईयरफोन है जो आपको इजीली 1500 के आसपास मिल जाते हैं और ऑफर के दौरान इसकी प्राइस 1000 रुपये के नीचे भी आ जाते हैं। तो इन दोनों में से अगर आपको डाउट हो रहा है कि कौन सा ईयरफोन आपको लेना चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए और आपको हम बताएंगे आपका सही डिसीजन कौन सा ईयरफोन लेना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं learnabhi.com। हर दिन सीखो कुछ नया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं दोनों की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बोट की स्पेक्स आपको बता देते हैं। बोट रॉकर्स में आपको मिलता है ब्लूटूथ 4.1 का सपोर्ट, मैग्नेटिक लॉक आ जाता है, IPX5 स्वेट एंड वाटर रेसिस्टेंट ये ईयरफोन है, HD साउंड क्वालिटी मिलता है, एक साथ दो डिवाइस में आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ CVC नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आता है, 10mm का डायनामिक ड्राइवर मिल जाता है और इसका बैटरी बैकअप जो है वो है 6 आवर्स। एक बार कंप्लीट चार्ज करेंगे तो आपको 6 आवर्स के बैटरी बैकअप मिल जाता है और इसके चार्जिंग टाइम में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में ये कंप्लीट चार्ज करके दे देता है। और इसमें एक खास बात है जो कि है क्विक चार्ज सपोर्ट। अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हैं तो सिर्फ 10 मिनट के कंप्लीट चार्ज पे आपको 45 मिनट्स के बैटरी बैकअप मिल जाता है। और रही बात मीवी कॉलर की, तो मीवी कॉलर सपोर्ट करता है ब्लूटूथ 5.0, काफ़ी अच्छी बात है एज़ कम्पेयर टू बोट। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन एक कदम आगे मिलता है। इसी के साथ साथ ये भी आपको IPX4.0 स्वेट प्रूफ के साथ में आ जाता है, HD स्टीरियो साउंड सपोर्ट करता है। इसका बैटरी बैकअप आपको कमाल का मिलता है जो कि है 10 आवर्स और इसका चार्जिंग टाइम है आपको 3 आवर्स। 3 घंटे कंप्लीट चार्ज करेंगे तो आपको इस पर 10 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाती है। और ये भी मैग्नेटिक लॉक के साथ में आता है और CVC नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट इस पे भी है। तो फीचर वाइज दोनों में ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है, बस बैटरी बैकअप आपको मीवी कॉलर में ज्यादा मिल जाता है। अगर हम बॉक्स कंटेंट की बात करें तो दोनों ही ईयरफोन में आपको मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, 1 चार्जिंग केबल और कुछ यूजर मैनुअल, दैट्स ऑल। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोनों ईयरफोन का बिल्ड क्वालिटी कैसा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे दोनों में से साउंड क्वालिटी किसकी बेहतर है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बोट रॉकर्स 255 इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ रबर और रबर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी लग रही है। वेरी लाइट वेटेड है और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है। पूरा का पूरा बॉडी ये रबर का बना हुआ है एंड द क्वालिटी ऑफ दिस ईयरफोन इज रियली अमेजिंग। इन द सेम टाइम अगर हम मीवी की बात करें तो मीवी का जो बॉडी है, ये जो केबल वाला सेक्शन दिख रहे हैं, ये वाला सेक्शन रबर का बना हुआ है और अदरवाइज ये जो केसिंग वाला एरिया देख रहे हैं ये बिल्कुल प्लास्टिक का बना हुआ है और प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी सही लग रही है। इस पे एक यूनिक सा फीचर आपको मिल जाता है कि आपकी इसका केसिंग में भी मैग्नेट दिया हुआ है ताकि इसके हेल्प से आप अपनी ईयरफोन को डायरेक्टली इस तरह से भी इसके अंदर रख सकते हैं, जो काफ़ी कम स्पेस आपका लेता है और इसकी जो वायर्ड है वो एक दूसरे में उलझती भी नहीं है। तो ये अच्छा चीज़ हमें मीवी के ईयरफोन में देखने को मिलता है जो बोट रॉकर्स 255 में कम्प्लीटली मिसिंग है। अगर हम बोट की बात करें तो सारे के सारे बटन राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन एंड द मल्टीफंक्शन की जो कि है सेंटर में। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको USB पोर्ट भी मिल जाता है तो चार्ज दिस ईयरफोन। तो सारे के सारे बटन एक ही तरफ में दिया हुआ है और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको बस बोट का एक छोटा सा लोगो देखने को मिलता है जो काफ़ी कमाल का डिज़ाइन यहाँ पे लग रहा है। इन द सेम टाइम अगर हम मीवी की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन का बटन मिलता है और राइट हैंड साइड पे आपको मल्टीफंक्शन की एज वेल एज चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है तो चार्ज दिस ईयरफोन। दोनों ईयरफोन आता है विथ मैग्नेटिक लॉक और दोनों का मैग्नेट काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है, बट यहाँ पे बस मैग्नेटिक लॉक मिलता है, इस पर कोई एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं दिया हुआ है। जैसे कि बहुत सारे ईयरफोन हमें देखने को मिलता है कि अगर हम मैग्नेट से कुछ चिपका देते हैं तो ऑडियो पॉज हो जाती है, तो इस तरह के कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। बस आप इसको चिपका कर अपने कंधे से लटका सकते हैं, डेट्स ऑल। और दोनों का मैग्नेट काफ़ी सही तरह से काम कर रहा है।
बोट रोकर्स का ईयरफोन का एक खासियत है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक क्लिप दिया हुआ है, जिससे अगर आप जॉगिंग वगैरह करते हैं तो या फिर कान में अटका रहता है, कान से बाहर बहुत ही कम निकलता है। तो ये एक फीचर आपको बोट रोकर्स 255 में देखने को मिलता है, जो कम्प्लीटली मिसिंग है ऑन मीवी ईयरफोन। तो अगर आप जॉगिंग वगैरह करते हैं तो मीवी का ईयरफोन जो है काफ़ी मतलब बार बार कानों से बाहर निकल जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम हमें वहाँ पे देखने को मिली, जो आपको अगर आप बोट का ईयरफोन यूज़ करते हैं तो आपके कानों से बहुत ही कम ये बाहर निकलता है। तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है व्हाइल वेयरिंग दिस ईयरफोन। रही बात साउंड क्वालिटी, भाई साउंड क्वालिटी के मामले में दोनों ही ईयरफोन का साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट अगर आप विनर की बात करें तो मैं भाई डेफिनेटली आपको बोट रोकर्स 255 ही रेकमेंड करूँगा। काफ़ी ज़्यादा कमाल का बेस मिल जाता है, म्यूज़िक वगैरह सुनने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू मीवी। हालांकि मीवी का भी साउंड क्वालिटी अच्छा है, मैंने उसका रिव्यू रिसेंटली किया है, आप चाहो तो देख सकते हैं, डेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ईयरफोन। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई दोनों में से बेस्ट साउंड क्वालिटी किसका है, बेटर साउंड क्वालिटी किसका है, तो भाई डेफिनेटली दी विनर इज बोट रोकर्स 255F ब्लूटूथ ईयरफोन। और इस ईयरफोन का एक खासियत है कि ऑफर के टाइम में ये 1500 का ईयरफोन आपको सिर्फ 999 में भी मिल जाता है जब सेल वगैरह चलता है। तो अगर अभी भी आप इसको बेस्ट प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर मिल जाएगी, तो आप एक बार वहां पर जाकर इसकी प्राइस जरूर चेक कीजिएगा, क्या पता आपको सबसे सस्ते दाम में मिल जाएगी ईयरफोन। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भाई चैनल के सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।